हेलो लवली पीपल, इट्स योर गर्ल लक्षिता एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई बी शेयरिंग दिवाली मेकअप लुक विद यू ऑल। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So firstly I'm using green tea toner from Good Vibes and after that for moisturizing my skin I'm using Bioderma's Etoderm cream. This is literally the best moisturizer for dry skin and for my under eyes I'm using Quench Mama Sika under eye cream. This is the first time I'm using this cream. So I'm starting with my eyes. So firstly I'm using Maybelline's HD1 concealer. So now I'm blending this concealer with a beauty blender and now I'm using a Fit Me loose powder to lock my concealer. This is my favorite loose powder. So for eyeshadow I'm using SFR Color Heated with Love palette and I'm taking the brown shade for my crease area and ab main isse bahut acche se blend kar rahi hu, aap dekh sakte hain. And after that I'm taking this blue, dark blue shade and मैं इसे अपने पूरी eyelid पर लगा रही हूँ एक छोटे blending brush की help से. And after that for adding some shimmer I'm gonna use this shimmery shade from the same palette, but before that I am blending the crease area. So अब आप देख सकते हो मैंने blue shade ले लिया है shimmery shade जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. And after that I'm taking a glittery shade from the same palette. इससे थोड़ा सा enhance हो जाएगा makeup look. And मैं अब फिर से अपनी crease area को blend कर लूँगी brown shade लेके. And for my eyebrows I'm taking the Lakme Absolute Brow Pencil in the shade black. I already told you that I always prefer black instead of brown because वो मेरे पे थोड़ा सा you know weird लगता है. Black मेरे ऊपर एकदम अच्छे से जाता है. एंड अब मैं इसे अच्छे से फिल कर रही हूँ. मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ और फिर टेल तक जाती हूँ. मैं अच्छे से ब्रश कर लूँगी. एंड सो फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग लॉरियल पैरिस लैश पैराडाइज मस्कारा. ये वाटरप्रूफ मस्कारा है एंड बहुत अच्छा मस्कारा है. ये बहुत रीजनेबल प्राइस में भी आपको मिल जाता है और फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए तो ये परफेक्ट है. मैं थोड़ा ही लगाऊंगी बिकॉज मैं अभी फॉर्सेस अप्लाई करूँगी. एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ जो कि होगा इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पोर फिलर प्राइमर. वो 110 रुपीज़ का है एंड बहुत बहुत अच्छा है. जो मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मैंने आप लोगों के साथ वो अपना एक्सप्रेशन भी शेयर किया था जो कि एकदम मैजिकल वाला था बिकॉज ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है सिर्फ 110 रुपीज़ में. ओके सो आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ इनसाइड कॉस्मेटिक्स कलर करेक्टर पैलेट बिकॉज आई हैव लाइक लॉट ऑफ पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ. सो उसको हाइड करने के लिए आई हैव टू हैव यूज़ कलर करेक्टर. सो उसके लिए मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रही हूँ. आप देख रहे होंगे जब से मैंने लिया है मैं तब से इसे यूज़ ही करा जा रही हूँ बिकॉज ये प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा है. उसके बाद मैं इसी पैलेट में से मेरे टोन का ही एक कंसीलर टाइप शेड है उसको एज अ बेस लगा रही हूँ, एज अ बेस लगा रही हूँ. उसके बाद फिर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी. तो अब मैं इसे अच्छे से स्प्रेड करके उसके बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी यू नो हार्श एजेस या फिर क्रीज ना रह जाए. एंड फॉर फाउंडेशन आई एम गोना यूज़ मेबलिन्स फिट मी फाउंडेशन. मेरा शेड आई गेस 235 है. आई एल प्रोवाइड द शेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो डू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा. मैं वहाँ पर अपना लिंक हमेशा प्रोवाइड करती हूँ. तो अब मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ. ये मेरा शेड नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता थोड़ा सा, बट ये ऑक्सीडाइज होता है फाउंडेशन तो लास्ट में ठीक हो जाता है. तो मैं अच्छे से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख रहे हो वैसे तो मेरे फेस पे जा रहा है बट मुझे इससे एक शेड और नीचे लेना है बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे ऊपर है एक शेड. सो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये फाउंडेशन ब्लेंड भी हो जाता है. मुझे इस फाउंडेशन की यही चीज़ पसंद है, एक तो इतना रीजनेबल है, ऊपर से जस्टिफाई भी करता है जितना रेट ये आपसे ले रहा है. तो एकदम अच्छे से मैंने इसे अपने फेस पे स्प्रेड कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत अच्छा है, मैंने अमेजोन से लिया था.
एंड फॉर हाइलाइटिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एजवन कंसीलर फ्रॉम मेबलिन एंड आई एम यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टोर आज नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने सोचा कि नहीं कॉन्टोर नहीं, आज नॉर्मल कंसीलर वगैरह ही लगा लेते हैं। ज़्यादा मुझे हार्श नहीं चाहिए था, मुझे एकदम नॉर्मल फेस चाहिए था अपना। बस मैंने आई मेकअप थोड़ा सा ड्रामेटिक कर दिया, बिकॉज यू नो फेस्टिव है तो क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपने पाउडर लेकर अपने अंडर आइज़ को बेक नहीं करूँगी, मैं हल्का हल्का पाउडर लगा रही हूँ। एंड फॉर ब्रश आई एम टेकिंग दिस मेबलिन्स फिट मी ब्लश, ये मेरा फेवरेट ब्लश है, आप देख सकते हो। मैंने इसे यूज़ करके ख़त्म भी कर दिया है। मेरे पास 3-4 ब्लशेज हैं, बट स्टिल आई यूज़ दिस ब्लश बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश। एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग मेबलिन्स मास्टर क्रीम हाईलाइटर, मोल्टन गोल्ड है इसका शेड, एंड हाईलाइटर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर हाईलाइटर को लगा रही हूँ एंड फिर मैं अपने ब्राउ बोन्स पे भी लगाऊंगी, बिकॉज उससे आपका मेकअप इन्हांस होता है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेप, बिकॉज दिस इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग निक्स मेकअप फिक्सर, और मेकअप फिक्सर को लगाने के बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके एक बार डैब डैब करती हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर पर ही आ जाता है। अब आप देख सकते हो मैं किस तरीके से रो रही हूँ, बिकॉज काजल लगाना इज़ लिटरली बहुत ही एक मेरे लिए बहुत एक वैसा टास्क है जो मैं बहुत ही रो रो के करती हूँ, बिकॉज यू नो बहुत वाटरी आइज़ है। एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस कलर एसेंस लिप पेंसिल इन दी शेड ब्राउन। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ शुगर की लिपस्टिक, जो कि आई गेस 36 शेड था उसका, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने अभी दिखाया भी है स्क्रीन पे, आप वहाँ पे देख सकते हो। ऑल दो मैं अपना लिंक तो दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर से मैं बोलूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। सो अब देखिए मैंने अच्छे से आउटलाइन कर लिया था, मैं हल्का हल्का ही लिपस्टिक लगाऊंगी, बिकॉज मुझे आजकल मैट लिप्स बहुत पसंद आ रहे हैं। ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे सो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। एंड ये वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, सो मैं आपको एडवांस में ही हैप्पी दिवाली, बाय।